दोनों का मानना है कि कोविड महामारी और हाल के वैश्विक घटनाक्रम से सीख लेकर हमें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूत बनाना होगा। हमारे बीच कनेक्टिविटी के विस्तार से और सीमा पर ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से और अधिक जुड़ेगी, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएगी। हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। बांग्लादेश के निर्यात के लिए आज भारत पूरे एशिया में सबसे बड़ा मार्केट है। इस वृद्धि को और गति देने के लिए हम द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर शीघ्र चर्चा शुरू करेंगे। हमने आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया, जो हमारी युवा पीढ़ियों के लिए रुचि रखती है। हम जलवायु परिवर्तन और सुंदरबन जैसी साझा धरोहर को संरक्षित रखने पर भी सहयोग। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से और अधिक जुड़ेगी, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएगी। हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। बांग्लादेश के निर्यात के लिए आज भारत पूरे एशिया में सबसे बड़ा मार्केट है। इस वृद्धि को और गति देने के लिए हम द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर शीघ्र चर्चा शुरू करेंगे। हमने आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया, जो हमारी युवा पीढ़ियों के लिए रुचि रखती है। हम जलवायु परिवर्तन और सुंदरबन जैसी साझा धरोहर को संरक्षित रखने पर भी सहयोग जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, ऊर्जा की बढ़ती कीमतें इस समय सभी विकासशील देशों के लिए चुनौती पेश कर रही है। आज मैत्री थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट के अनावरण से बांग्लादेश में एफोर्डेबल बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। दोनों देशों के बीच पावर ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने पर भी उपयोगी बातचीत चल रही है। रूपसान नदी पर रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। यह ब्रिज भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत खुलना और मंगला पोर्ट के बीच बनाई जा रही नई रेलवे लाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बांग्लादेश के रेलवे सिस्टम के विकास और विस्तार के लिए भारत हर प्रकार सहयोग जारी रखेगा। फ्रेंड्स, ऐसी 54 नदियां हैं जो भारत बांग्लादेश सीमा से गुजरती हैं और सदियों से दोनों देशों के लोगों की आजीविका से जुड़ी रही है। ये नदियां, इनके बारे में लोक कहानियां, लोकगीत हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत के भी साक्षी रहे हैं। आज हमने कुशियारा नदी से जल बंटवारे पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारत में दक्षिण असम और बांग्लादेश में सिलहट क्षेत्र को लाभ होगा। फ्लड मिटिगेशन के संबंध में सहयोग बढ़ाने पर भी मेरी और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की उपयोगी बातचीत हुई है। भारत बांग्लादेश के साथ रियल टाइम आधार पर बाढ़ संबंधित डेटा साझा करता रहा है और हमने डेटा शेयरिंग की अवधि को भी बढ़ाया है। आज हमने आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग पर भी जोर दिया। 1971 की स्पिरिट को जीवंत रखने के लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि हम ऐसी शक्तियों का मिलकर मुकाबला करें जो हमारे आपसी विश्वास पर आघात करना चाहती हैं।
फ्रेंड्स, बंगबंधु ने जिस स्थिर, समृद्ध और प्रगतिशील बांग्लादेश का विजन देखा था, उसे साकार करने में भारत बांग्लादेश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहेगा। आज हमारी बातचीत इस मूल प्रतिबद्धता को दोहराने का भी एक उत्तम अवसर रही है।